उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक महेश परमार और विधायक रामलाल मालवीय संविधान की नवी सूची में आरक्षण को लाना चाहते हैं। इसके विरोध में करणी सेना ने प्रदेश भर में पुतला दहन कर कार्यक्रम आयोजित किया है। राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में स्थानीय भोपाल चौराहे पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक महेश परमार, विधायक रामलाल मालवीय का पुतला फूका है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा है। राजपूत करणी सेना के कई लोगों ने पुतला दहन के दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कई लोगों ने मुंह पर मास्क भी नहीं पहना और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया है। आज ये भोपाल चौराहे पर परशुराम सेना, करणी सेना, सपाक्स मंडल द्वारा जो है पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है। अनिल जी फिरोजिया और रामलाल मालवीय, महेश परमार, जो कि संविधान की नवी सूची में आरक्षण को लेना चाहते हैं, उसके विरोध में प्रदेश भर में ये पुतला दहन रखा गया है और परशुराम सेना, करणी सेना और सपाक्स समाज एवं समस्त ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज ये बोलना चाहता है कि यदि इस प्रकार से पुनः इस चीज को आगे बढ़ाया गया तो ये प्रदेशव्यापी और देशव्यापी इस तरह से पुतला दहन और आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय करणी सेना, परशुराम सेना, राजपुताना संघ उत्तर भाग, समस्त कार्यकर्ताओं के साथ हम आज अनिल फिरोजिया जी सांसद उज्जैन, रामलाल जी मालवीय विधायक और महेश परमार जी विधायक के द्वारा नौवीं सूची को लेकर एक लेटर पेड जारी किया गया है, जिसमें उनकी मांग है कि आरक्षण को नौवीं सूची में लिया जाए, किंतु करणी सेना उसका विरोध करती है। उसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में उनका विरोध जारी है। उसी को लेकर आज देवास में भी करणी सेना विरोध कर रही है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।